नमस्कार न्यूज आप तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ आर्या झा। दक्षिण अंडमान के एसडीएम विनायक चमड़िया ने बुधवार को केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के हितधारकों एसीसीआई के सदस्य और दक्षिण अंडमान जिले में पोर्ट लेयर्स एसोसिएशन के साथ बैठक की। आपको बता दें कि बैठक में एसडीएम ने गर्मियों के दौरान अवैध भूजल दोहन पर चर्चा की। उसके साथ ही उप विभागीय मजिस्ट्रेट दक्षिण अंडमान ने वाणिज्यिक और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए बोरवेलों के संचालन और खोदे हुए कुएं के संचालन के लिए अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकताओं के बारे में एसीसीआई और होटल व्यवसायी संघ को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि 10 केएलडी से ऊपर पानी निकालने वाले किसी भी संगठन को सीजीडब्ल्यूए के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और 10 केएलडी से नीचे निकालने वाले को सीजीडब्ल्यूए से छूट श्रेणी के दर्जा प्राप्त करना होगा। पानी निकालने वाले प्रत्येक वाणिज्यिक और औद्योगिक संगठन को टेम्पर प्रूफ डिजिटल वाटर मीटर लगाना होगा। इसी के साथ उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि जल संकट से निपटने के लिए यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी होटलों और ऐसे अन्य संगठनों को 31 जनवरी 2024 से पहले एनओसी या छूट का दर्जा प्राप्त करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी थोक जल आपूर्तिकर्ताओं को सीजीडब्ल्यूए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, अन्यथा कानून के अनुसार सख्त जुर्माना लगाया जाएगा। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।